वेलकम है आप सभी का आज की इस वीडियो के अंदर। और बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट के बारे में, क्या करंट हाल चल रहे हैं, क्या करंट सिचुएशन चल रही है और क्या इम्पोर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं। सारी अपडेट कवर करेंगे। तो अभी आप करंट मार्केट सिचुएशन देखोगे तो बिटकॉइन के जो लेवल्स हैं वो थोड़े से नीचे चल रहे हैं। 16,637 के लेवल पे बिटकॉइन चल रहा है। 800-900 की जो रेंज है वही चल रही थी, अभी जो है 600 पे आ चुका है। और 1% जो है इस टाइम पे बिटकॉइन आपको डाउन देखने को मिल जाएगा। बीएनबी की बात कर लें तो 241 डॉलर्स के ऊपर चल रहा है, 20,000 रुपये पे करंट प्राइस है। इथीरियम 1187 पे 98,000 रुपीज़ का एक इथीरियम इस टाइम पे चल रहा है। एलयूएनसी 3% पम्प कर रही है इस टाइम पे। इसके अलावा डॉज कॉइन भी 2% पम्प कर रहा है। तो कुछ अगर आप देखो कॉइन्स ग्रीन में है, लेकिन ऑलमोस्ट बाकी जो है बिटकॉइन के साथ साथ आपको नेगेटिव में देखने को मिल रहे हैं। तो ये अभी करंट सिचुएशन, और मार्केट में कुछ भी चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। और कहीं ना कहीं दिसंबर एंड, जहां जैसे जैसे दिसंबर एंड नज़दीक आ रहा है, जो नया ईयर शुरू होने वाला है और 2022 जो बियर रन रहा वो भी ख़त्म होने वाला है, तो कहीं ना कहीं अब हमको जल्दी ही कुछ ना कुछ जो हलचल है मार्केट में देखने को मिल सकती है दिसंबर एंड के टाइम पे, है ना। क्योंकि बिटकॉइन क्या करता है, क्लोजिंग कहाँ करता है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम आ जाते हैं थोड़ा गेनर लिस्ट के ऊपर और कौन से कॉइन्स क्या कर रहे हैं कितना। यहाँ पे अगर आप देखोगे इस टाइम पे ज़्यादा कोई गेनर लिस्ट में भी आपको बड़ा पंप देखने को नहीं मिलेगा। HFT चल रहा है, हैश फ्लो चल रहा है यहाँ पे 9% के साथ 29 रुपीज़ पे प्राइस चल रहे हैं। 7% बीटा कॉइन चल रहा है। उसके बाद एल्पिन है जो एक फैन टोकन है, और अगर आप देखोगे उसके बाद वेव्स भी 4% आज ग्रीन में चल रहा है। वेव्स आपको पता है USDN जो वेव्स का स्टेबल कॉइन है वो डीपेग हुआ, तो वेव्स की भी थोड़ी हालत जो है पतली यहाँ पे ज़रूर हुई, ठीक है। उसके बाद UFT और LUNC, ये कुछ ऐसे कॉइन्स हैं जो इस टाइम पे ग्रीन में चल रहे हैं, लेकिन मार्केट में कुछ भी मोमेंटम हमको अभी फ़िलहाल नहीं दिख रहा है। तो सबसे पहली जो अपडेट आ रही है वो आ रही है शिबा इनू को लेके। सर्वे रिवील्स मोस्ट डायमंड हैंड होल्ड शिबा इनू। मतलब अगर आप देखोगे यहाँ पे एक जो है सर्वे हुआ है, ए मैसिव रेशियो ऑफ 64% ऑफ रिस्पोंडेंट्स रिवील दैट होल्डर्स आर स्टिल डायमंड हैंडलिंग शिबा इनू। मतलब ऐसे 64% रिस्पोंडेंट्स हैं, अगर हम किसी भी पॉल की बात करते हैं, सर्वे की बात करते हैं, जिसके अंदर शिबा इनू का भी नाम होता है, तो कहीं ना कहीं शिबा इनू उस रेस में आगे होता है। और यहाँ भी 64% एक बहुत बड़ा नंबर है। आप सपोर्टर्स कह लीजिए, होल्डर्स कह लीजिए शिबा इनू के, है ना। नेक्स्ट अपडेट आ रही है ब्राज़ील की तरफ से। आपको पता है ब्राज़ील के अंदर भी रिसेंटली क्या हुआ था, बिटकॉइन को एक तरह से जो है लीगल क्रिप्टो टेंडर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लीगल टेंडर की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लीगल करने की बात ज़रूर निकल के आई थी। और ब्राज़ील प्रेसिडेंट साइन क्रिप्टो रेगुलेशंस इनटू लॉ, कंपनीज इन द सेक्टर विल हैव 180 डेज टू अडेप्ट टू द न्यू रूल्स। तो एक तरह से अगर आप देखोगे ब्राज़ील के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने यहाँ पे अप्रूव कर लिया है, अप्रूव्ड ए क्रिप्टो रेगुलेशन बिल और रिसेंटली पास्ड बाय दैट कंट्रीज चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज एंड द सेनेट। तो वहाँ पे जो है एक तरह से आप देखो ब्राज़ील के अंदर जो है रेगुलेशन वाला जो बिल है उसको अप्रूव कर लिया गया है, साइन भी कर दिए गए हैं, ठीक है। और जल्दी ही अब आपको जो है एक तरह से आप यूँ समझ लीजिए कि ब्राज़ील में तो हमको रेगुलेशन मिल गया है, क्रिप्टो रेगुलेशन हो चुका है, रेगुलेट करने की तैयारी भी हो चुकी है कहीं ना कहीं। और ये एक बहुत अच्छी बात है क्रिप्टो मार्केट के लिए, क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए। नेक्स्ट अपडेट आ रही है XRP रिपल को लेके। XRP को लेके थोड़ा गुड न्यूज़ है। अगर आप देखो XRP एक्सेप्टेड एज पेमेंट बाय टॉप दुबई रियल एस्टेट डेवलपर। जी हाँ, XRP पेमेंट एक्सेप्ट की जा रही है किसके ज़रिए, दुबई टॉप लग्जरी रेजिडेंस के लिए, है ना। तो भैया दुबई में जो है आप जो है घर खरीद सकते हैं, होम खरीद सकते हैं, और ये सारी चीज़ें टॉप, अगर आप देखो रियल एस्टेट डेवलपर इन UAE अनाउंस द लॉन्च ऑफ ए यूनाइटेड अरब एमिरेट 3 बिलियन एक्सक्लूसिव न्यू लग्जरी रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स इन मेडन।
तो एक लग्जरी जो आप देखो यहाँ पे रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, और वहाँ पे जो है आप अपना होम बुक कर सकते हो। किसके ज़रिए कर सकते हो? XRP रिपल के ज़रिए। यू कुड बाय अ होम इन दुबई यूजिंग XRP अमंग अदर थिंग्स। तो बहुत बड़ी बात है कि XRP के ज़रिए अगर आपके पास रिपल है, XRP रिपल है, तो आप डेफिनेटली जो है दुबई के अंदर आप घर भी खरीद सकते हैं, जो कि अच्छी बात है। XRP को भी काफ़ी अच्छा एडॉप्शन मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट भी काफ़ी अच्छी अपडेट है। स्टिल बुलिश, 40% ऑफ सर्वे रिस्पोंडेंट्स प्लान टू बाय क्रिप्टो इन 2023। डिस्पाइट ए चैलेंजिंग ईयर फॉर द क्रिप्टो इंडस्ट्री, नियरली 40% ऑफ रिस्पोंडेंट इंडिकेटेड ए प्लान टू परचेज क्रिप्टो करेंसी लाइक बिटकॉइन इन 2023। मतलब क्रेज अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है, और बुलिश अभी भी हम हैं क्रिप्टो को लेके। और ये सर्वेस बताते हैं कि कितने लोग 2023 के अंदर भी जो है क्रिप्टो को खरीदने वाले हैं, है ना। अगर आप देखो 41% यहाँ पे सर्वे हैज़ पोल्ड मोर देन 40,000 पीपल ग्लोबली वो विजिट blockchain.com एक्सप्लोरर वेबसाइट, और विच इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रिप्टो वेबसाइट इन टर्म्स ऑफ ट्रैफिक। जहाँ पे एक ऐसी वेबसाइट जहाँ पे ट्रैफिक सबसे ज़्यादा होता है अगर हम जब क्रिप्टो की बात करते हैं, तो अगर वहाँ का सर्वे ये बता रहा है कि 40% लोग अभी भी बुलिश हैं क्रिप्टो को लेके 2023 के लिए, और वो स्टिल जो है आपको आने वाले टाइम में बाय करते हुए दिखेंगे, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है कि क्रिप्टो का क्रेज़ ना तो ख़त्म हुआ है ना ही ख़त्म होगा, और आने वाले टाइम में जैसे ही बुल साइकिल की शुरुआत हो क्रेज़ फिर से आपको और बढ़ता हुआ दिखने वाला है ना। अभी तक आप सुनते थे कि आज इस एक्सचेंज ने इस क्वाइन को डीलिस्ट कर दिया, डीलिस्टिंग भी हम ज़रूर सुनते हैं, है ना, लेकिन अगर आपने आज तक ये नहीं सुना होगा कि बिटकॉइन को डीलिस्ट कर दिया या इथीरियम को डीलिस्ट कर दिया। बिटकॉइन को तो खैर वो मार्केट का किंग है, लेकिन एक ऐसी एक्सचेंज जिसने इथीरियम को ही डीलिस्ट कर दिया अपने प्लेटफॉर्म से। जी हाँ, पैक्सफुल टू ड्रॉप इथीरियम ट्रेडिंग ड्यू टू इंक्रीज्ड सेंट्रलाइजेशन एंड कंसेंसस मैकेनिज्म पिवट। तो पैक्सफुल ये जो एक्सचेंज है ये एक न्यूयॉर्क बेस्ड पीयर टू पीयर क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है। इसने क्या किया है कि इथीरियम को अपने प्लेटफॉर्म से डी लिस्ट कर दिया है, और रीज़न आपको देख लो क्या रीज़न दिया है। सेंट्रलाइज विल ड्रॉप इथीरियम ट्रेडिंग फ्रॉम इट्स प्लेटफॉर्म ऑन 22 दिसंबर। और एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि इथीरियम सेकंड नंबर की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है, और उसी को ही जो है अपने प्लेटफॉर्म से पैक्स फुल ने डीलिस्ट कर दिया। नेक्स्ट अपडेट आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट चेन लिंक को लेके। चेन लिंक के जो सेंडिंग एड्रेसेस हैं वो अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर पहुंच चुके हैं। अगर आप देखो चेन लिंक सेंडिंग एड्रेसेस हिट ऑल टाइम हाई और ATH एज बाइनेंस इनफ्लो इंक्रीजेज। जैसे ही बाइनेंस का इनफ्लो इंक्रीज हो रहा है चेन लिंक के जो एड्रेसेस हैं वो अपने ऑल टाइम हाई पे हमने देखे लास्ट 24 आवर में। हैव सीन एन इमीडिएट राइज इन द लास्ट 24 आवर अकॉर्डिंग टू द ऑन चेन एनालिटिक प्रोवाइडर क्रिप्टो क्वेंट की अगर हम रिपोर्ट माने तो लिंक सेंडिंग एड्रेसेस हिट ऑल टाइम हाई अलॉन्ग विद बाइनेंस द लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज इंक्रीज ऑफ इनफ्लो, है ना। तो थोड़ा सा चेन लिंक पे ही फोकस करें, ये क्रिप्टो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में हमको 2023 के अंदर अच्छा रिटर्न दे सकती है। लेने से पहले अपनी जो रिसर्च है वो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट एक रिस्की मार्केट है, यहाँ पे प्रॉफिट भी हो सकता है लॉस भी हो सकता है, तो हमेशा आपकी जो रिसर्च है वो बेहद ज़रूरी है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है जस्टिन सन की तरफ से, जो ट्रॉन के फाउंडर हैं। जस्टिन सन अनाउंसेस हुआबी वीज़ा कार्ड एज पार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन स्ट्रेटजी। यहाँ पे अनाउंस किया है जस्टिन सन ने, कौन सा? हुआबी एक्सचेंज के भी कहीं ना कहीं अब जुड़ गए हैं तार, और क्रिप्टो एक्सचेंज हुआबी अनाउंसेस पार्टनरशिप विद वीज़ा टू इंट्रोड्यूस ए कार्ड दैट हेल्प बूस्ट क्रिप्टो एडॉप्शन ग्लोबली। और एक ऐसा कार्ड यहाँ पे लाने की तैयारी जो है जस्टिन सन ने की है, अनाउंस कर दिया है ऐसा वीज़ा कार्ड लेके आएंगे भैया, जो
क्रिप्टो एडॉप्शन को और भी ज़्यादा बूस्ट करने में हेल्प करेगा ग्लोबली। और अच्छी बात है, हुआबी की तरफ से भी ऐसे स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, और हुआबी ने इसके लिए पार्टनरशिप जो की है वो वीज़ा के साथ की है। तो वीज़ा के साथ मिलके एक हुआबी वीज़ा कार्ड जो है आपको जल्दी देखने को मिलने वाला है। लास्ट एंड फाइनल में हम बात करेंगे कुछ एलडीओ की सेलिंग को लेके। यहाँ पे अपडेट्स आ रहे हैं। स्टेनी जिन्होंने जो है, अगर आप देखोगे यहाँ पे कुछ एलडीओ को सेल किया गया है, कुछ बहुत बड़ी क्वांटिटी है, 7,15,000 एलडीओ, मतलब लिडो डाओ, लिडो फाइनेंस भी आप इसको बोल सकते हो, जिसकी वैल्यू $6 लाख की है। 16 आवर एगो जो है यहाँ पे सोल्ड किए गए इतने टोकन्स, और स्टेनी इज़ वन ऑफ द सीड राउंड इन्वेस्टर ऑफ लिडो फाइनेंस एंड ही हैज़ सोल्ड आउट ऑल द 2 मिलियन एलडीओ एलोकेटेड ऑन December 17, 2020 नाउ, है ना। तो एक बहुत बड़ी अच्छी खासी जो है सेलिंग यहाँ पे हुई है एलडीओ की, और हिज एवरेज सेलिंग प्राइस इज़ $1.21, है ना। तो यहाँ पे कुछ हमको ट्रांजेक्शन डिटेल्स भी देखने को मिल जाएंगी। अगर आप देखोगे यहाँ पे 7,15,000 क्वांटिटी, उसके बाद 3,50,000 भी है, मतलब बहुत अच्छी क्वांटिटी। और टोटल अगर आप देखो यहाँ पे कहाँ कहाँ सेलिंग हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हो सेलिंग पॉइंट्स, है ना। तो 1.21 जो है एक एवरेज प्राइस रहा है सेलिंग का एलडीओ की, है ना। तो ये थी कुछ क्रिप्टो करेंसी न्यूज़ एंड अपडेट्स। आई होप इस वीडियो में आप सब कुछ समझ गए होंगे। तो आज की इस वीडियो के फिलहाल इतना ही। अगर आप किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमेशा अपनी जो रिसर्च है वो ज़रूर करें, वो बेहद ज़रूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।